इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को खरीदना अब सस्ता हो गया है। इलेक्ट्रिक दो पहिया बनाने वाली कई कंपनियों ने बीते 2 से 3 महीनों के दौरान अपने प्रमुख और एंट्री लेवल मॉडल्स के दाम काफी घटाए हैं। कीमतों को कम करने की बड़ी वजह इलेक्ट्रिक दो पहिया को ज्यादा अफोर्डेबल बनाकर उसकी बिक्री बढ़ाना है। यानी मार्जिन भले ही कम रहे लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से ओवरऑल कमाई ज्यादा हो जाए। इसी रणनीति के तहत टू व्हीलर्स ईवी के प्रमुख मॉडल्स के दाम 25% यानी 20 से 25 हजार रुपए तक कम किए गए हैं। वहीं एंट्री लेवल मॉडल्स के दाम में औसतन 15 से 17% तक की कटौती की गई है। अगर बाजार में मिलने वाले लोकप्रिय टू व्हीलर्स की कीमतों में आई कमी पर नजर डालें तो ओला इलेक्ट्रिक का S1X प्लस 1,10,000 से 25,000 रुपए कम होकर 84,999 रुपए में मिल रहा है। वहीं एथर एनर्जी का 450S भी 25,000 रुपए की कमी के साथ 1,09,999 रुपए में मिल रहा है। ओकाया का फास्ट F4 1,37,990 की जगह अब 1,19,990 रुपए में मिल रहा है। वहीं जेमोपाई राइडर 12,000 रुपए सस्ता होकर 99,195 रुपए में मिल रहा है। बैटरी की कीमत में आ रही गिरावट का फायदा भी अब ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक दोपहिया की कीमत में 40% से ज्यादा हिस्सेदारी बैटरी की होती है। बीते करीब 6 महीने में चाइनीज बैटरी की कीमतों में 40 से 50% तक कमी आई है। इससे कई कंपनियों ने पूरी प्रोडक्ट रेंज की औसतन कीमतें 15% तक घटा दी है। कीमतों में कमी की वजह ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स के बाजार में आने से बढ़ा मुकाबला भी है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में लिथियम के भंडार मिलने के बाद ईवी बैटरी में दबदबा रखने वाली चीनी निर्माताओं का मार्केट शेयर अब घट रहा है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी के विकल्प के तौर पर दूसरी बैटरियां भी तेजी से विकसित हो रही हैं, जिससे लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में गिरावट आ रही है। इसके साथ ही मार्च ईयर एंडिंग से पहले स्टॉक क्लियर करने के लिए भी कीमतों में कटौती की गई है। आने वाले समय में पेट्रोल और ईवी टू व्हीलर्स के दाम तकरीबन बराबर होने के अनुमान है। दरअसल पेट्रोल टू व्हीलर निर्माता इलेक्ट्रिक दोपहिया के मॉडल बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इनकी हिस्सेदारी करीब 5% है, जो अगले 2 से 3 साल में कई गुना तक बढ़ सकती है। इससे भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के दाम तेजी से घट सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।